अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो लोगों को फेस करना भी सीख लिया। मैंने किससे नजरें चुराई? फिलहाल तो ऐसे लग रहा है जैसे आप मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये तो आपको पता होना चाहिए। किन्सा, मेरे और जिया के बीच में वक्ती तौर पे गैप जरूर आया था, लेकिन उस गैप के साथ साथ आप में अकल भी आ गई है ना? Exactly. तो फिर इस पूरे किस्से में जो मेस क्रिएट हुआ है उसे कौन समेटेगा? अल्लाह मालिक, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं टेंशन नहीं ले रही तो आप क्यों अपसेट हो रही हैं इस पूरी सिचुएशन से? मैंने इतने ख्वाब देखे थे तुम्हारे और अरसल की शादी के, सब टूट गए। पता, अच्छा हुआ तुम टूट गए। सोचें, अगर ये सब शादी के बाद होता तो मैं कहाँ जाती? लेकिन उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। वो अरसल को गोली मारो। तुम्हारा खानदान एक नंबर का बेगैरत लोग है। उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि हम इस घर का इकलौता दामाद। सही कह रहे हैं। बोलते वो बच्चे, इसका सर पर ठंडा ठंडा पानी डालो। वो तुम्हारी माँ बैकी बैकी बातें करता है। मैंने कहा ना, सही कह रही हूँ। अभी अब्बा जी जिंदा होते ना तो ये मेरे साथ कभी भी ना होता। इंशाल्लाह, अपने बाप को कब्र में डिस्टर्ब मत करो और उठो सहरी करते हैं। मैं नहीं करनी शहाना की सहरी। अपना भाभी को गोली मारो। हमारा बिलो जी ने क्या टिप टॉप किस्म का सहरी बनाया। चलो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। बीजा ने बहुत बेइज्जती करनी है। कुछ नहीं बोलेंगे वो, चले सहरी करते। वो एस्टेट एजेंट से बात कर ली थी ना तुमने? फिक्र नहीं करो, चुटकियों में हो जाएगा काम। ये आप दोनों क्या प्लान कर रहे हैं मिलकर? देखते जाओ मिया। हाय हाय, मासूमा को नजर आना बंद हो गया जो इस तरह से आ रही है वो। अरे बीजा, नबी तो इसका आंख खुला है और ऐसा खुला है कि दोबारा कभी बंद नहीं होगा। सीट जाओ। मासूमा आप क्या खाएंगे आप? बिलाल तो ताजा ताजा धोखा खाए, लेकिन अगर आप ज्यादा फरमाइश करते हैं तो करेले कीमा बना दो। आप कर दो। हम अपना बेगम के साथ करते हैं। एक्सक्यूज मी।